इस वक्त हम लोग हाजीपुर लोकसभा में मौजूद हैं। उनसे अच्छा तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान बेहतर है, बेहतर बेहतर है। अच्छा, रही बात विकास की, तो हम लोग इस बार विकास के मुद्दा पर जाना चाहते हैं। राम विलास जी को नाम पर, उनका लड़का के नाम पर हम लोग वोट जो भी बुझाएगा हम लोग करेंगे। लेकिन आम पब्लिक ने तय कर दिया है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है वो राहुल गांधी, पप्पू यादव। हाँ, उसको लालू यादव आगे बढ़ना नहीं देने चाहते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, बिहार में हर लोकसभा में हम चाय की दुकान पर जरूर जाते हैं और जानते हैं कि चुनावी चर्चा क्या चल रही है। चाय की दुकान से कुल मिलाकर इलाके की एक सटीक जानकारी तो मिल ही जाती है। इस वक्त हम लोग हाजीपुर लोकसभा में मौजूद हैं और हाजीपुर लोकसभा की ये राघोपुर विधानसभा है और यहाँ पर आगे इधर देखिए रामपुर पड़ता है और ये हमको लगता है फतेहपुर पड़ता है। फतेहपुर गाँव हुआ और इधर रामपुर गांव हुआ, तो बीच बीच की ये जगह है। तो कुछ फतेहपुर वाले मिलेंगे, कुछ रामपुर वाले मिलेंगे। तो यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार क्या माहौल है हाजीपुर में। चाचा पशुपति पारस से एक तरह से कह सकते हैं अच्छी खासी लड़ाई लड़ के ये सीट हासिल की है चिराग पासवान ने। बड़ी मुश्किल से ये सीट मिली है, पर क्या जनता उनको जिताएगी, क्या उनको सांसद बनाएगी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश प्रसाद राय। उमेश जी, ये चाचा भतीजे की लड़ाई एक बहुत चर्चा में रही, जोरदार चर्चा में रही। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और चिराग में जो ये फाइट थी, आप ये बताइए उसके बाद आप लोगों का क्या मन है? चिराग पासवान को आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं? उनसे अच्छा तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान बेहतर है, बेहतर बेहतर है। अच्छा, रही बात विकास की, तो हम लोग इस बार विकास के मुद्दा पर जाना चाहते हैं। क्या बात? अब जुमलाबाजी को हम लोग छोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, जुमलाबाजी लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि आज कोई सरकार किसी का हो, वो लोग लोकसभा में जब बैठते हैं तो अपना पेंशन को बढ़ा लेते हैं, अपने वेतन को बढ़ा लेते हैं, बेरोजगारी पर ध्यान है नहीं। मोदी अच्छे हैं, मोदी सेंट्रल के लिए अच्छे हैं, इनको मैं मानता हूँ, लेकिन वोटर इस बार खुल नहीं रहा है जो कौन किसके पक्ष में है। वोटर हाँ, तो गुम है अभी। हाँ, तो आप लोग किसको इधर लोकसभा में? शिवचंद्र राम है, राजद से कैंडिडेट हैं, जो चिराग पासवान के एकदम सामने। नुकसान हो गया, ग्लास टूट गया, कोई बात नहीं। तो आप लोग चिराग के साथ हैं कि अभी राजद के साथ हैं? देखिए, हम लोग वोटर है। हाँ, और हम लोग एक आध हजार आदमी के एक आदमी है, इसलिए हम लोग नहीं खुल सकते। क्या बात है, क्या बात है। अरे मतलब एक हजार वोट लेके आप लोग चल रहे हैं? हाँ, जिधर जाएंगे उधर एक आध हजार के मस्का के चले। क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के द्वारा यह संदेश देना चाहता हूँ सेंट्रल में भी कि तो 1000 वोट लेके चाचा आप चल रहे हैं, तो आप जरा खोल के ये बता तो दीजिए कम से कम कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, मोदी जी को कि राहुल गांधी को? वो तो मोदी जी है, मोदी जी चेहरा तो मोदी, तो मतलब चिराग पासवान को ही वोट डाल रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं, हमने खोल लिया, हमने पकड़ लिया। हम यह जानना चाहते हैं, देखिए हम चैनल अपना बताते हैं, हमारा चैनल आप लोगों की राय जानता है कि आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो कोई भी है, कोई राजद का है तो कोई लोजपा का है, तो मोदी का है, तो बीजेपी का है। ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज बुलंद होती है और आप लोग बोलेंगे नहीं तो चाचा। मैं यह पूछना चाहता हूँ दोनों आदमी से, हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से, हाँ, कि क्या आप लोग एमपी जब बन के जाते हैं, हाँ, तो एमपी का पद जो है तो वह सर्विस है कि सेवा है? बिल्कुल। यदि सर्विस है वह, तो उसका दक्षता परीक्षा क्यों नहीं? जबकि मेरा ही बेटा दो बार एक्सीडेंट मारा दानापुर में, उसको लिखित में छांट दिया, उसको गोली न चलाना था सीमा पर, उसको अथी था, वो इंजीनियर था जो उसको नाप जो करना था, तब वो अच्छा। आपका मुद्दा हम समझ गए, ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सांसद बन रहे हैं मोदी के नाम पे, बहुत लोग जीत तो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है सांसदों का वो बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना इलाके चाहिए। में काम हाँ, होना चाहिए। लोग अपने के लिए तो वेतन हाँ, बढ़वा लेते हैं। हाँ, अगर अगर इनका नौकरी है, सांसदी अगर नौकरी है,
तो नौकरी है तो इनका परीक्षा हो, होमगार्ड के लिए परीक्षा होता है, बिल्कुल समझ गया आपका मुद्दा, बहुत अच्छा है। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा कान में मशीन लगाए, हमारे घर राघोपुर हुआ। अच्छा राघोपुर, हाँ हमारे समझी, इनकर बात सब सुनेगा। चलिए बताइए, कोई के बात ना सुनेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए कि जो आप बोल रहे हैं वही बात ये बोल रहे हैं। बाबा आपसे बात कर लेते हैं, प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर राय। नागेश्वर जी, क्या इलाके में है? देखिए रामविलास पासवान का इस हाजीपुर में बड़ा एक नाम रहा, लालू यादव की राजनीति भी इस इलाके में जोरदार रही, तो क्या अब दोनों का जो है परिवार, चिराग पासवान रामविलास का परिवार बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव लालू का परिवार, ये दोनों लड़कों में अगर देखें तो किसका ज्यादा बढ़िया आपको लग रहा है कि ये सच में काम करेगा लोगों के लिए? चिराग जी को तो हम अभी तक नहीं कुछ जान रहे हैं। अच्छा, लेकिन रामविलास जी को देन है यहाँ। अच्छा, रामविलास जी को नाम पर, उनका लड़का के नाम पर हम लोग वोट जो भी बुझाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे जितना सींचा है रामविलास पासवान ने, जो सींचा है उसका थोड़ा फल चिराग पासवान जरूर खाएंगे। उनके पिता ने जो यहाँ काम किया है, काम नहीं करते तो शायद चिराग का इतना नाम भी नहीं होता। अपने पिता की कहीं ना कहीं खेती काट रहे चिराग पासवान भी, असर दिख रहा है हम लोगों को। बाप की विरासत पर है, बिल्कुल विरासत पर है, बहुत बहुत काम किया है वो, उन पर हम लोग खुश हैं। अब ज्यादा इस काम ना कर सकते। क्या नाम है आपका? अच्छा नाम तो बता दीजिए खाली। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, किसान है आप? अरे तो गर्व से बोलिए कि आप किसान है, आप तो उगाते हैं और हमको खिलाते हैं, ये तो गर्व की बात है बाबा। तो मोदी जी अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं? लालू जी, लालू जी के तो क्या हो गया बताइए ना, कि लालू जी हमारे बढ़िया नेता है। लालू जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, लालू जी को पसंद करते हैं। लालू जी तो बिहार में बहुत लोगों को पसंद है, बाकी लोगों को यहाँ पे क्या माहौल है? युवाओं से बात कर लेते हैं, क्या नाम है? वोट वोट है आपका? वोट तो है। कितने उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल, पहली बार मतदान मतलब करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर आज हमारे साथ हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर किसको पसंद कर रहे हैं, मतलब क्या मुद्दे हैं आपके? किसको? रोजगार के मुद्दे हैं। अच्छा, जो 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में हो गया। अभी राघोपुर से आए थे और बहुत सारे तेजस्वी यादव से इसलिए नाराज थे कि ठीक है बहुत तरह की बात कर रहे हैं तेजस्वी, लेकिन हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं किया। होगा, सब काम होगा, टेंशन नहीं लीजिए। और मोदी जी सर झूठ नहीं ना बोलते, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। चलिए, ये नाराजगी है आपकी, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन प्रसाद। क्या है आपका माहौल, क्या? इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैमरा उधर। माहौल कुछ नहीं है, सिर्फ तेजस्वी का सरकार ही बनेगा बिहार में, तेजस्वी के अलावा कोई है ही नहीं। ये चुनाव भैया प्रधानमंत्री का नहीं है, तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे इस बार, और 400 पे हार होगा इस बार बीजेपी। राहुल गांधी की जगह अगर ममता जी आ गई सामने, केजरीवाल जी आ गए सामने, तो केजरीवाल सब सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। नेता तय नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन का कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तय है राहुल के अलावा, राहुल रैली ऐसी नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि भले इंडी अलायंस ने ये क्लियर नहीं किया है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन आम पब्लिक ने तय कर दिया है कि महागठबंधन इंडी अलायंस का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है वो राहुल गांधी, राहुल गांधी है। युवा सब जानते हैं कि वो राहुल गांधी 30 लाख रोजगार देंगे, और तेजस्वी बिहार में रोजगार देंगे 1 करोड़। इस युवा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी को, और पीएम के रूप में राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं और किसी को नहीं, काहे कि रोजगार के नाम पे बीजेपी ने बिहार को क्या पूरा देश को ठगा है। देखिए बहुत सारे लोग राजद के अंदर ये शिकायत करते हैं, राजद के अंदर के लोग, कि जो राजद में यादव बहुत सारे नेता जैसे रामकृपाल यादव हैं, ऐसे और भी कई नेता हैं, कि उनको ज्यादा नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। कभी रोहिणी आचार्य हैं, कभी तेज प्रताप, उनके परिवार के कई लोगों को बड़े बड़े पद मिले हैं जो दूसरे यादव को मिलना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यादव ने भी बहुत को टिकट दिया है, पता है यहाँ चिराग पासवान अपना सब परिवारवाद में सबसे ज्यादा चिराग पासवान किए हैं। क्या वो अपने बहनोई के टिकट दे दिया, अपने सबको दे दिया, मगर तेजस्वी यादव कभी परिवारवाद नहीं, सब अपना अपना परिवार देखता है, परिवार बढ़ाएगा कोई नहीं। अमित शाह परिवारवाद नहीं है, अमित शाह परिवारवाद नहीं है,
अमित शाह चिराग पासवान के जमुई से आप जो उनके जीजा जी का नाम ले रहे हैं, मतलब वो भी परिवारवाद हुआ। हाँ, उनका जीजा जी बहुत बात रखी आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए तमाम पब्लिक है, इससे भी बात कर लेते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पूछना जरूरी है। क्या नाम है चाचा आपका? हम यहाँ का नहीं है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का, बेगूसराय का। अच्छा चलिए आपसे एक ही सवाल, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसको बनाए? तो ठिकाना नहीं है, कौन बनेगा नहीं, किसको बनाना चाहते हैं आप? हमको से होगा, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है कि खराब है? मोदी मोदी बढ़िया ना, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है देश में, किसकी सरकार बनेगी? देखिए हम लोग जो है रास्ता में निकल रहे हैं, हम लोग बेगूसराय जिला से हैं, देश अच्छा अच्छा तो बेगूसराय आपके इलाके में क्या माहौल लगता है, देश का प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले हैं आप लोग? देखिए ये जो है ना, बनने के लिए जिसको बनना है वो आपको भी यानी आत्मा में होगा कि किसको बनेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? ये जो है आपको भी आत्मा में होगा जी कौन बनेगा। आत्मा से पता लग रहा है, आपको आत्मा बोलता है, आत्मा से आपको आत्मा कहता होगा जी कौन बनेगा। मेरी आत्मा तो बहुत कुछ कह रही, हम आपकी आत्मा को समझना चाह रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री आपकी आत्मा चुन रही है। हमको यानी कोई जो है सकतर यानी कोई हमारा तरफ यानी चला है सही, ठीक ना? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बात नहीं है, ऐसे नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राहुल यादव। राहुल वोट बना है अभी आपका? जी हाँ। अच्छा चिराग तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है आपको? बढ़िया काम पूछिए, बढ़िया काम ना बढ़िया अच्छा, काम कोई अच्छा कैसे लगेगा, काम से ही ना अच्छा लगेगा? काम से अच्छा तो तेजस्वी यादव लग रहे हैं, जैसे नहीं देखा 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में कर दिए। और पीछे का 15 साल क्या, पीछे का 15 साल? पंद्रह साल तो लालू राज और राबड़ी राज। अरे लालू राज छोड़िए ना, इधर तेजस्वी राज की सवाल तो है ना, लेकिन सवाल है लेकिन इधर तेजस्वी जितना भी युवा है ना, ठीक है जो बीजेपी वाले हैं जो जदयू वाले हैं वो तो आज आप देखिए जगह जगह यही बोल रहे हैं कि भाई जो मुखिया जब तक उस किसी चीज को आगे नहीं बढ़ने देगा तब तक पीछे वाला कैसे बढ़ाएगा, समझ रहे हैं आप? तो वो उनका भी अपना ही मुद्दा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमित बवाना। तो इधर हमको लगता है काफी तेजस्वी के फैन लोग हैं आप लोग, है ना, तेजस्वी को पसंद करते हैं। तो अच्छा बड़ा एक मजेदार सवाल पूछ लेते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जब अपने पिता को किडनी डोनेट की, बड़ा बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक बेटी होकर रोहिणी आचार्य का ऐसा यहाँ समर्थन मिला कि उनको चुनावी मैदान में राजद ने उतार दिया, पिता ने उतार दिया। अगर हम कहें कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य में आप किसको चुनेंगे तो क्या है आपका मतलब? तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य बढ़िया नहीं है? नहीं है, बढ़िया नहीं है रोहिणी आचार्य, बढ़िया नहीं है। तेजस्वी अच्छे हैं। हाँ। अब तो भाई बहन में ही झगड़ा लगा रहे हैं। भाई बहन में झगड़ा नहीं लगाते हैं, ठीक है। रोहिणी क्यों नहीं बढ़िया बन, क्यों रोहिणी आचार्य बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यादव काम किए हैं, रोहिणी को तो आएंगे, पहले मेरा बात समझ लीजिए, रोहिणी आचार्य आएंगे, वो अभी काम करेंगे तब न हम जानेंगे। हाँ तो इसी तरह यहाँ पे जो है कुल मिलाकर माहौल है पप्पू यादव। हाँ। उसको लालू यादव आगे बढ़ना नहीं देने चाहते हैं, ठीक है? लालू यादव आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? गुस्सा है आप तेजस्वी से इस मतलब? हाँ, तेजस्वी से गुस्सा नहीं है, मतलब थोड़ा लगता है कि पप्पू यादव को भी बढ़ाते तो अच्छा। हाँ, ये लगता नहीं है, ये अगर यहाँ से खड़ा रहते तो हम पप्पू यादव को ही वोट देते हैं। पप्पू यादव के फैन भी मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कुल मिलाकर यहाँ पर काफी लोगों से बातचीत हो चुकी है और यहाँ पर मिला जुला रिस्पांस दिखा है, यहाँ पर बहुत सारे तेजस्वी यादव के समर्थक मिले, चिराग पासवान के मिले, बीजेपी के भी मिले। कुल मिलाकर सबकी अपनी अपनी राय है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो वोट है वो तगड़ी फाइट देगा चिराग पासवान को। और यहाँ पर माहौल ऐसा लग रहा है कि यहीं से लग रहा है पता कि इतना आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए भी चुनावी मैदान में फाइट करना। देखते हैं और इलाकों में क्या कुछ माहौल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।